पता नहीं क्या उलझल उलझा फैसला ले लेते हैं। किससे पूछ कर आप लिए हैं? बिहार के 13 करोड़ आवाम से क्या राय लिए हैं आप? आए दिन जहरीली शराब से जो लोगों की मौत हो रही है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में बिहार के जो NDA गठबंधन है वो अब प्रस्ताव पारित किए हैं। अब प्रस्ताव पारित करने के बाद जो है क्या ये सिलसिला थमेगा, हम जानने की कोशिश करेंगे। लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं चंदन सिंह। क्या लगता है आपको चंदन सिंह, चंदन जी, कि ये प्रस्ताव पारित होने के बाद और जो सिलसिला है मौत का आंकड़ा है वो थम नहीं रहा है? देखिए, हम लोग तो लगातार कह रहे थे कि बिहार के जो सत्ता पर बने हुए हैं और जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है, इसके संरक्षण में जहरीली शराब और अवैध शराब का काला बाजार का काम हो रहा था, तो कहीं ना कहीं अब यह स्पष्ट हो गई है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने महामहिम राज्यपाल के पास अगर इस प्रस्ताव को भेजा है तो इसे ये स्थिति स्पष्ट हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो शराब से 1500 करोड़ का जो राजस्व बिहार को आता था, उसी के पैरलर में एक सिंडिकेट बिहार में अवैध शराब और जहरीली शराब का बन गया था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहीं ना कहीं अपने घुटने जमीन में टेक दिए हैं और उन्हीं के पक्ष में यह निर्णय लिया गया है कि आप शराब पीजिए, घर में पीजिए, बाहर पीजिए, अपने कार में पीजिए, जब प्रशासन के लोग आए तो उन्हें मामूली सा जुर्माना देकर आप छूट जाइए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, सैकड़ों लोग जो बिहार के अलग 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 जिलों में जहरीली शराब पीकर मरे, उनके लिए कौन बोलेगा? जवाबदेह और जिम्मेवार कौन है माननीय मुख्यमंत्री जी? जहरीली शराब कहाँ से आई? शराब की अवैध भट्टियाँ कौन खोला? जब संजय जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, इसी विषय को अपने सोशल मीडिया पर उठाते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तितकी लग जाता है, अपने कार्यकर्ताओं से उनको गाली दिलवाने का काम करते हैं। अब यही प्रस्ताव वो ला रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है विभू जी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो माथा है ना, वो काम नहीं कर रहा है, अभी कहीं ना कहीं हैंग कर गया है। और इनके जो चमचे बेलचे हैं वह गलत गलत सलाह इनको दे रहे हैं कि पियकड़ों के पक्ष में यह फैसला है। अरे, नीति अगर सुधारनी है आपको तो सुधारनी चाहिए कि किसी गरीब, दलित और वंचित के घर में अगर शराब की एक बोतल मिले तो पूरे परिवार को इस ठंड में बाहर निकाल के घर में आप सील कर देते हैं। किसी के घर में अगर शादी हो रही है तो दुल्हन के कमरे में आप घुस कर जाकर घर की तलाशी लेते हैं। आपको अपनी नीतियों को सुधारना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी, और सभी पॉलिटिकल पार्टी के सर्वदलीय बैठक को बुलाकर आपको इस पर चिंतन और मनन करनी चाहिए थी। लेकिन अपने एक अन्य मार्ग में आप बैठकर बहुत आराम से पता नहीं क्या उलझल उलझा फैसला ले लेते हैं। किससे पूछकर आप लिए हैं? बिहार के 13 करोड़ आवाम से क्या राय लिए हैं आप? पूछे हैं, और बिहार की पसंद आप नहीं थे, बिहार पर थोपे हुए मुख्यमंत्री आप थे, आप तीसरे नंबर की पार्टी हैं और भारतीय जनता पार्टी की कृपा से, अनुकंपा से बने हुए आप मुख्यमंत्री हैं। मांझी जी कह रहे हैं कि जिस तरह से मोदी, प्रधानमंत्री मोदी 3 कृषि कानून को वापस ले सकते हैं, तो ठीक उसी तरह नीतीश कुमार क्या वापस नहीं ले सकते हैं? ये कहना है मांझी का। और पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनका ये कहना है, और जिस तरह से NDA की गठबंधन है, नीतीश कुमार डटे हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मांझी जी तो बहुत कुछ बोलते हैं। मांझी जी तो यहाँ तक बोले कि बिहार में शराब लोग पीते हैं, बड़े बड़े अफसर पिया करो, थोड़ी थोड़ी पिया करो। हाँ, थोड़ी थोड़ी पिया करो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो उस पर कुछ फैसला नहीं लिए, कोई एक्शन नहीं लिया। अब उनके विधायक कल बोले कि हम सिवान के गांधी मैदान में पियकड़ सम्मेलन कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के पार्टी के हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या एक्शन लिया? देखिए, यह एक आई वॉश है, एक आप समझ लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो समाज सुधार अभियान का एक जो ढोंग रचा था और जो जनता दरबार का ढोंग करते हैं, और कुछ नहीं, बिहार के 13 करोड़ आवाम के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। यहाँ पर बात होनी चाहिए कि 19 लाख रोजगार आपने दिया कि नहीं दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, इन सब विषयों पर आप कब बोलेंगे? विधायक एक छोटा मोटा कोई चीज नहीं होता है, और विधायक कोई कह रहे हैं कि हम पियकड़ से सम्मेलन करवाएंगे, तो बिहार के आवाम क्या सोचेगा इसमें? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी के बिना सहमति के उनके पार्टी के किसी भी विधायक की इतना ताकत नहीं है कि वह कुछ कह सके। माननीय मुख्यमंत्री जी की इसमें जरूर सहमति रही होगी, और मैं तो आग्रह करूंगा माननीय विधायक जी को
कि मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी उसमें चीफ गेस्ट के रूप में बुलाना चाहिए। देखिए, एक सवाल करना चाहेंगे चंदन जी कि जिस तरीके से चिराग पासवान पूरे बिहार का दौरा करते हैं, दिल्ली में भी जाते हैं, दिल्ली में उनका कार्यकाल रहता है, जो भी रहता है, और बिहार आते हैं तो जरूर वो ज्वलंत मुद्दे पे या कोई घटना ऐसी होती है, दुखनीय घटना, वो जरा बराबर जाते हैं, वहाँ समझते हैं, लेकिन बराबर वो कोर्ट तो कर रहे हैं, नीतीश कुमार पे हमला कर रहे हैं, लेकिन कोई इसका अंजाम तो दिख रहा है आपको, कोई अंजाम होगा इसका? देखिए, बिहार की जो सत्ता है यह निरंकुश हो गई है। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक किसी की आवाज़ नहीं पहुँचती है। वैशाली में जहाँ दलित बच्ची के साथ बलात्कार कर हत्या कर दी जाती है, माननीय मुख्यमंत्री जी मौन रह जाते हैं। बेतिया हो, मुजफ्फरपुर हो, नवादा हो, सिवान हो, या परसों जो नालंदा में जहरीली शराब पीकर लोग मर गए, सैकड़ों लोग मर रहे हैं, आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक भी शब्द कहा हो? नेता प्रतिपक्ष ने भी एक शब्द कहा हो? तो यह जो मौन रहकर राजनीति करने की जो विधा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रसायन शास्त्र में माहिर हैं, यह जात पात की राजनीति करते हैं, अगड़ा पिछड़ा करते हैं, दलित महादलित करते हैं। तो देखिए, चुनाव लड़ना अलग विषय है, लेकिन जब आप सत्ता पर आ जाते हैं तो बिहार के 13 करोड़ आवाम के अभिभावक आप होते हैं, आपको उनके विषय में सोचना पड़ता है। यहाँ बताइए, रोजगारी अपने चरम पर है और एक भी रोजगार का नाम माननीय मुख्यमंत्री जी बता नहीं पाएंगे, बस इतना ही बोलेंगे कि हम लोग तो बहुत कुछ कर रहे हैं, और बहुत कुछ में क्या आता है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो यहाँ पर नौजवानों को शराब की होम डिलीवरी करना तक सिखा दिया। अगर यह कानून आ जाता है तो बिहार के तमाम नौजवान जो हैं शराब की होम डिलीवरी में लग जाएंगे, इसलिए कि अब तो जेल होगा नहीं, अब तो मामूली से जुर्माने पर ही छूट जाएंगे। प्रस्ताव जो पारित हो रहा है और जो बड़े ऑफिसर को अब जेल की सलाखों में जाना पड़ेगा, क्या देखिए, यह बिना सोचे समझे किया हुआ निर्णय है, हम इसका विरोध करते हैं। सर्वदलीय बैठक बुलाकर ही इस पर कोई निर्णय लेना चाहिए, और जनता का जनमत भी जरूरी है, जनता क्या सोचती है, माननीय मुख्यमंत्री जी को उन सब विषयों पर भी सोचना चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, अगर ऐसा कोई भी निर्णय लिया जाता है तो इसका हम लोग विरोध करेंगे। तो जिस तरीके से चंदन जी लगातार हमला किए हैं कि जो मौन रूप में रहकर और जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और जो राजनीति की जो विधा का वो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गलत है, और ये साफ कह दिए कि जो सर्वदलीय बैठक के बाद ही जो है प्रस्ताव पारित करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब तक आप हर एक दल को बैठ के बात नहीं करेंगे, जितने भी इस बिहार में दल हैं सब लोगों से सम्मति नहीं लेंगे तो क्या ये फैसला ठीक नहीं रहेगा। तो लगातार हमला कर रहे हैं, और अब देखना इस बात की है क्या नीतीश कुमार इस जहरीली शराब से मौत के जो मामले हैं, क्या इसको लगाम लगा पाएंगे, देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए द पंचायत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।